सारेगामा कारवां 2.0। संगीत आपको तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है, टूटे हुए दिलों का साथ ही है संगीत। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो अधूरी कहानियों को पूरा करते हैं, जिन्हें हम बनाते हैं प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। नमस्कार, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज 28th सितंबर को फिर से लौट आई हूं एक नया प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे लेकर। ये हफ्ता बड़ा ही शानदार रहा है क्योंकि इस हफ्ते हिंदी सिनेमा के कई लेजेंडरी आर्टिस्ट्स का जन्मदिन था, लेकिन आज उनका जन्मदिन है जिन्हें हिंदुस्तान की नाइटिंगेल माना जाता है। मैं बात कर रही हूँ लता मंगेशकर जी की। आज हम उनका फॉरएवर फ्रेश एंड एवरग्रीन सॉन्ग लग जा गले सेलिब्रेट करेंगे। इस गीत को 50 साल से भी ज़्यादा हो गए लेकिन ऐसा मधुर गाना आज भी पुराना नहीं लगता। ये गाना मदन जी ने कंपोज किया था और इस गाने को फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला साहब ने रिजेक्ट कर दिया था। इस बात से मदन जी बड़े निराश हुए थे क्योंकि वो जानते थे कि ये गाना एक मेमोरेबल सॉन्ग बन सकता है। फिर उन्होंने फिल्म के स्टार मनोज कुमार जी को कॉन्टैक्ट किया, उन्हें ये गाना सुनाया और उन्हें रिक्वेस्ट की कि वो राज जी को जाकर मनाए। फिर क्या था, मनोज जी जब फिर से राज खोसला जी के पास गए तो राज जी मना ही नहीं कर पाए और ये गाना अप्रूव हो गया। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगी, लेकिन चलिए शुरू करते हैं आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। लग जा गले के फिर हसी रात हो न हो, शायद फिर से इस गाने के सुपरहिट होने के बाद राज खोसला जी ने खुद कहा था कि अगर वो ये गाना नहीं लेते तो उनसे कितनी बड़ी चूक हो जाती। ये गाना उस समय रिकॉर्ड हुआ और आज तक नए नए सिंगर्स इस गाने का वर्जन बनाते रहते हैं और अपनी आवाज़ में रिक्रिएट करते रहते हैं। और उसी के साथ ये गाना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट रिक्रिएटेड सॉन्ग बन चुका है। वैसे ये गाना लता जी का खुद का फेवरेट गाना है और इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और वो स्केड्यूल्ड डेट पे इसी कारण ये गाना रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, पर शूटिंग की डेट तो फिक्स थी, इसीलिए हमारे मास्टर कंपोजर मदन मोहन जी ने खुद ये गाना गा के रिकॉर्ड किया था, जिसे बेस समझ के शूट कंप्लीट किया गया और फिर बाद में लता जी ने इस गाने को मदन जी के गाने को सुन सुन के फाइनली डब किया था और इतना लेजेंडरी गाना कुछ ऐसे पूरा हुआ। ये गाना लता जी अपने हर कॉन्सर्ट में गाया करती थी क्योंकि ये गाना सबसे ज़्यादा डिमांड किया जाता था। ये गाना राजा मेहदी अली खान जी ने लिखा था। वो और मदन मोहन जी काफ़ी अच्छे दोस्त थे तो मदन जी को तो राजा जी पर पूरा भरोसा था कि वो उम्दा काम करेंगे, पर इंडस्ट्री में इतना नाम नहीं होने के कारण फिल्म मेकर्स इस चॉइस से खुश नहीं थे। पर मदन जी ने उनके इस ऑब्जेक्शन को बिल्कुल भाव नहीं दिया और अपने डिसीजन पर अडिग रहे। और बाद में जब ये बोल लिखे राजा जी ने तब सभी हैरान रह गए कि इतना बेहतरीन लिखा जाएगा ये गाना, ऐसा वो सोच भी नहीं सकते थे।
तो ये था आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। लता जी का जन्मदिन है और उनका मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन गाना है ये। मैं हूँ रुचि आपके साथ। लता जी अक्सर कहती हैं कि ये बड़ा ही टफ गाना था उनके लिए, स्पेशली टू ब्रिंग इन ऑल द मुर्कीज, द वेरिएशंस सजेस्टेड बाय मदन जी। काफ़ी डिफिकल्ट था ये सब करना, और उन दिनों एक गाना 4 घंटों की शिफ्ट में ही पूरा करना होता था, सारे म्यूजिशियंस, सिंगर्स और रीटेक्स के साथ। नहीं तो एक्स्ट्रा स्टूडियो चार्जेस लग जाते थे, साउंड चार्जेस देने पड़ जाते थे, और इस सॉन्ग को 4 घंटों में निपटा पाना काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा। लता जी, मदन मोहन जी वन ऑफ द मोस्ट अप्रिशिएटेड जोड़ी थे फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में। आज तक भी लता जी ये याद करती हैं कि जो भी कॉन्सर्ट में वो जाती थी परफॉर्म करने के लिए, सबसे ज़्यादा तालियां उन्हें मदन मोहन जी के गानों पर ही मिलती थी। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लता जी का जन्मदिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उन्हीं की आवाज़ में एक और खूबसूरत गाना आपके लिए।
आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे बना हुआ है लता मंगेशकर जी का एवरग्रीन गाना वो कौन थी फिल्म से लग जा गले। मैं हूँ रुचि आपके साथ। ये फिल्म तमिल और तेलुगु में फिर से बनी थी जिसमें हिंदी वर्जन के ओरिजिनल ट्यून्स यूज किए गए थे। इनफैक्ट लता जी को अप्रोच भी किया गया था फिल्म के रीमेक में गाना गाने के लिए, लेकिन लता जी काफ़ी बिजी थी और वो नहीं गा पाई। खैर, वो कौन थी फिल्म मदन मोहन जी की पहली सिल्वर जुबली हिट फिल्म थी, तो उसके म्यूजिक को रिक्रिएट करना तो मुश्किल था ही। वैसे आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे लता जी का पॉपुलर गाना है, तो एक और ऐसा ही पॉपुलर गाना उनका ही सुना रही हूँ आपको, सेलिब्रेटिंग लता जीज बर्थडे। सुनिए जरा। आज जिस गाने को मैंने यानी कि रुचि और आपने बनाया है प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे, वो है लता मंगेशकर जी का गाना उन्हीं के जन्मदिन पर लग जा गले। मैंने बार बार लगातार आपको बोला है कि ये गाना आज तक भी उतना ही फेमस है जितना सालों पहले था, और आज भी इस गाने को रिक्रिएट किया जाता है और पसंद किया जाता है। तो एक बार सुन करके तो हमारा मन भरेगा नहीं, तो एक बार फिर से आपको ये गाना सुनाने वाली हूँ मैं। लेकिन उसके पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए, सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए मेरे साथ फिर से सुनिए आज का ये प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे मेरे सारेगामा कारवा से।